नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि जहां कुछ लोगों ने भारत को जाति और धर्म के आधार पर बांटा, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति पर ध्यान दिया। सीएम योगी ने 8,754 करोड़ रुपए की लागत वाली 2,042 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने पाकिस्तान पर भी एक बड़ा दावा किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए आज की इस रिपोर्ट में। सीएम योगी ने पाकिस्तान में महंगाई और आर्थिक संकट का जिक्र करते हुए कहा कि हम विकास पर पैसा खर्च कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान भोजन के लिए संघर्ष कर रहा है। कुछ राज्य ऐसे भी होंगे जिनका सालाना बजट ही 8,700 रुपए के आसपास होगा, जबकि हम इस धन राशि की नगर विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार गरीबों को निःशुल्क आवास, शौचालय, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा करवा कर दे रही है। जब अच्छी सरकार आती है तो ऐसे ही परिवर्तन लाती है। वहीं पाकिस्तान को देख लीजिए, वहां पर आज रोटी के लाले पड़ रहे हैं। उन्होंने कोविड-19 के दौरान प्रधानमंत्री के प्रयासों की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को अब महामारी के दौरान शुरू की गई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। वहीं साल 1918 के स्पेनिश फ्लू के एक स्पष्ट संदर्भ में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस तरह की महामारी 100 साल पहले भी आ चुकी है, जिस वक्त लोग न सिर्फ महामारी से बल्कि भूख से भी मर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान देश के इतिहास में पहली बार मुफ्त टीकाकरण, जांच, राशन और सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई गई। इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। वहीं सीएम योगी ने आगे कहा कि इसे एक सफल मॉडल के रूप में वर्णित करते हुए जिसकी विश्व स्तर पर प्रशंसा की जा रही थी। साथ ही कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि ये उन सभी की आंखें खोलने का काम करेगा जिन्होंने स्वतंत्र भारत को जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजित किया और झूठे वादे किए। जो लोग जाति, पंथ और धर्म के आधार पर देश को विभाजित करना चाहते हैं, उन्हें प्रगति से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें वंचितों की परवाह नहीं है, वो केवल खुद में रुचि रखते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का एक लक्ष्य रखा था, जिसमें से 10 प्रदेश के थे। वहां युद्ध स्तर पर विकास कार्य हो रहे हैं। सीएम योगी का कहना है कि जब अच्छी सरकार आती है तो परिवर्तन लाती है। वहीं पाकिस्तान को देख लीजिए, वहां पर आज रोटी के लाले पड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी जमकर आरे हाथों लिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।